अवैध नशीले पदार्थ बिक्री के विरोध में क्षेत्रवासी एकजुट हो गए हैं। सभी क्षेत्रवासी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन पर अवैध बिक्री रोकने की मांग की। नगर निगम वार्ड 40 व 41 के क्षेत्रवासी और व्यापारियों ने वार्ड 41 के पार्षद कमलेश मेहता और वार्ड 40 के पूनम सिंह रावत के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्री पर प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि क्षेत्र में अवैध गांजा, स्मैक, शराब आदि की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है और ऐसे अवैध व्यापार करने वाले अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, इसलिए सभी क्षेत्रवासी आज कलेक्टर पर इकट्ठा हुए हैं। वार्ड पार्षद 41 की कमलेश मेहता ने बताया कि उदयपुर के नगर निगम वार्ड 40 41 में मेवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया तथा मुख्यतः मठ, कच्ची बस्ती व पूरे वार्ड 40 में लगभग 15 से 16 स्थानों पर गांजा, ड्रग, शराब आदि घरों में बिक्री हो रहे हैं, जिससे न केवल मठ व कच्ची बस्ती बल्कि समूचे वार्ड में आपराधिक गतिविधियां अपने चरम पर है। वार्ड क्षेत्र में लगभग 200 से अधिक नाबालिग व युवा बालक ड्रग्स, इसमें गांजा तथा शराब की लत से आकर लूटपाट, छीना झपटी व चोरी जैसी संगीन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसमें गांजा, शराब आदि मादक पदार्थ खरीदने शहर भर के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के छात्र व अन्य युवा वर्ग आए दिन यहां आते हैं। दो दिन पूर्व भी ऐसे ही नशेड़ियों ने दो स्थानीय युवकों हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है। ऐसे में आज ज्ञापन सौंपकर इन नशीली पदार्थों की बिक्री करने वाले के ठिकानों व लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मैं उदयपुर के लिए जिम चलाता हूँ। खाने पीने का क्या सही है क्या गलत है वो मेरे को बहुत अच्छी तरह से पता है। नशे का क्या बुरा हो सकता है वो आप सबको भी अच्छी तरह से पता है। तो एसपी साहब के पास हम लोग गए तो उन्होंने बोला कि हमारे को सजग होना पड़ेगा, हम ही इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको बंद कर सकते हैं तो हम लोगों ने ये निर्णय किया कि हम हमारे मोहल्ले के अंदर 5-5 लोगों की टीम बनाएंगे। उन 5-5 लोगों को बोलेंगे कि रात को, क्योंकि पुलिस की जीप तो हमारे पे गश्त करती नहीं है और चौकी पे वहाँ पे स्टाफ है नहीं, तो हमारे ही लोग 5-5 जने हर मोहल्ले के अंदर गश्त करेंगे रात के टाइम पे। अगर वहाँ पे कोई नशा करता हुआ दिखता है या फिर नशा बेचता हुआ पता लगता है कि ये बंदा नशा बेच रहा है, हम उसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे। पहली बार, दूसरी बार भी रिक्वेस्ट कर लेंगे, तीसरी बार भी रिक्वेस्ट कर लेंगे, चौथी बार अगर हमारे पे उन 5 बंदों पे किसी पे हाथ उठाया जाता है उनके द्वारा, तो ऐसी पिटाई करेंगे, ऐसी पिटाई करेंगे आपको सबको वहां पे आना पड़ेगा कि ये गलत हुआ है काम। हमारे क्षेत्र में अवैध बस्तियां बसाकर रोड जाम करके अवैध बस्तियां बनी हुई है, सरकारी जमीन में अवैध बस्तियां बनी हुई, उन बस्तियों में नशे का अवैध व्यापार हो रहा है, जिसमें चास, चरस, गांजा, अफीम, कोकीन, पाउडर, हर नशे की सामान, एमडी, एमडी जो भी कहते हैं, मेरे को सारे नाम तो याद नहीं है, सारे सामान आसानी से उपलब्ध है, जिसको हमारी युवा पीढ़ी को पहले तो लत लगाई जाती है, फ्री में सेवन कराया जाता है, फिर जब वो उसका आदि हो जाता है तो घर के बर्तन बेच रहा है, गैस की टंकियाँ बेच रहा है, रोड से मोबाइल छीन रहा है, चेन स्केचिंग कर रहा है, इस तरह की वारदातें आए दिन हो रही है, जिसका विरोध दर्ज कराने हम ज्ञापन देने आए। लेकिन एसपी साहब का कहना है कि आप अपने बच्चों को सुधारो, नशे का सामान दो, या नहीं तो चित्तौड़ से भी ले आएगा, वो कहीं से भी ले आएगा, आप सहयोग करो और आप सजग रहो। इसी बीच में हमारे दो युवक हेमराज डांगी, करण सिंह, कल इतने भयंकर चोटिल हुए, 307 का मुकदमा दर्ज हुआ है प्रतापनगर थाने में, मरते मरते बचे, मौत के मुंह से मैं आखिरी वक्त पे जाके उनको बड़ी मुश्किल से अधमरा था, बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया और उनका इलाज करा के बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची है। करण सिंह माजरी निवासी, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने गया अपनी स्कूटी में और वहाँ से मेरे मित्र को मैंने दुकान से कुछ सामान लेने के लिए भेजा और 5 मिनट बाद वो पेट्रोल भराता समय ही पीछे से आवाज़ आती है कि बचाओ बचाओ करके, और मैं वहाँ जाके देखता हूँ कि ये लहू लुहान हालत में नीचे गिरा हुआ है और 2-4 व्यक्ति इसके ऊपर पत्थरों से मतलब वार कर रहे हैं, पाइप थे उनके हाथ में, और मेरे को देख के 4-5 आदमी वहाँ से भाग जाते हैं और फिर मैं उन 2 आदमियों को पकड़ता हूँ वापस, वो 4-5 आदमी रिटर्न आते हैं और उनके हाथ में सरिया और पाइप से मेरे ऊपर वार कर दिया और ये जब तक मतलब मरे हुए हालत में वहाँ पड़ा हुआ मिला, और वो नहीं आए उससे पहले कि 2 ऑटो भर के और आ गए, 5-25 जने और हमारे ऊपर गिर गए। मैं भागते हुए अपनी जान पेट्रोल पंप के सीसी कैमरे में उधर मैं गया, मैं क्यों इधर कैमरे में आ जाएगा, वो वहाँ पर अभी मौजूद है और आप जाके चेक कर सकते हैं।